मैं महेंद्र सिंह राणा, जो प्रमुख सदस्य क्षेत्र पंचायत चमोली गांव निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा प्रमुख सदस्य के रूप में कर्तव्यों का सदा पूर्वक निर्वहन करूंगा। के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विशेष रूप से इसलिए बधाई है कि आप लोगों ने अपने प्रमुख को निर्विरोध चुना। तो श्रीमती बबीता देवी है पहले हम लोग सब आपसे एक बार में सब सुन लो, पहचान लो और हम लोग सब मिलकर काम कर ला। आप लोग बधाई पात्र से हैं, आप लोग जो मेरा प्यार आशीर्वाद में हमेशा ऋणी रहो और जब जब मेरे जो फल में आप लोग समझो ये हमारी प्रयास रहा, हम लोग वही प्रयास रहा वही व्यक्ति तक वो जरूर मिल। और अभी मैं अभी जल्दी वीडियो साहब छुट्टी बचे तो हम लोग एक बैठक रख ला, वीडियो साहब दगड़ में सभी अधिकारियों को बैठक रखू, एक बार जरा समझ से समझू पहले की इंच वो भी हमारे दगड़े से तो उनकी दर्द पहले उन दर्द सुन ला तब अपन दर्द पता। धन्यवाद प्रमुख जी, आपने यहाँ पर अपने भैया फोटो ऐसे आ जाए कि मजा आ जाए, ध्यान रखना। बीच में तो सब ग्वारे हैं, जानो सबसे पहले हम ब्लॉक का सिस्टम ठीक करें और क्षेत्र में अब जाएंगे जो मेरे जिन भाइयों ने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुझे निर्बोध प्रमुख बनाया उनसे सबसे बैठ के हम वार्ता करेंगे और उसके बाद धीमे धीमे जो भी प्राथमिकता होंगी उन पे काम होगा। ब्लॉक से रोड से जोड़ना चाहिए ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ब्लॉक का मैं आपसे पहले भी मैंने बोला है कि ब्लॉक का जो सिस्टम है पहले हम इसको ठीक करेंगे, जो BDC हॉल है सब चीज़ें ठीक कराएंगे और थोड़ा टाइम समय जरूर लग सकता है लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ मैं सब कुछ करूँगा और सब जितने हमारे BDC मेंबर और समाज सेवी पत्रकार बंधु में आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो आपने ये मुद्दे उठाए और आप भी हमें धीमे धीमे जागरूक करते रहना और आपका भी सहयोग चाहिए हमें कि आप और हम लोग सब मिलके मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं द्वारिखाल प्रदेश ही नहीं देश में भी नंबर एक पे आएगा। नए प्रमुख से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो जैसे उन्होंने अपने ब्लॉक को सर्वश्रेष्ठ बनाया हमारे ब्लॉक को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं गई है, बहुत साल हो गए हैं, हमें रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है, हमारे गांव में रोड के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, हमें बीमार वगैरह होते हैं जो पीड़ित लोग होते हैं उनको कुर्सी में लाया जाता है और हमारे यहाँ लाने का और कोई साधन नहीं है और सब कंधे पे उठा के चारपाई में लिटा के लाते हैं। प्रमुख महेंद्र सिंह राणा का जो अपना एक कार्य करने का जो एक तरीका है, एक तो क्षेत्र पंचायत प्रधान और जितने भी आपके अधिकारी गण हैं उनको सबको साथ लेके और साथ लेने के विश्वास के साथ लेके उन्हें और जो आज ब्लॉक मुख्यालय कलजीखाल में स्थापित हुआ है वो BRDF और पिछड़ा वर्ग निधि से निर्मित हुआ है। शायद है कि पूरे देश में ही ऐसा BDC हॉल क्षेत्र पंचायत का भवन जो भव्य इमारत है वो देश में कहीं नहीं है और जो उन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2 बार सम्मान मिला वो एक अग्रणी कार्यशैली के रूप में उन्हें मिला क्योंकि उन्होंने उनका जो काम करने का तरीका जो बिल्कुल अद्भुत तरीका अलग ही तरीका कोई उसमें दो राय नहीं है कि उनका ब्लॉक ही नहीं कलजीखाल के दूर दराज के गांव तक भी उन्होंने विकास की धाराएं बही जैसे कि इंदिरा आवास हो गए स्ट्रीट सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया यात्री सेड हो गए इंदिरा आवास हो गए या अन्य जो भी योजनाएं थी उन पर उन्होंने पूरा काम किया जिससे कि भारत सरकार की जो टीम आई थी कि भाई आपको जो विशिष्ट सम्मान मिला तो ब्लॉक को देखते हुए नहीं पूरे ब्लॉक के कार्यशैली को देख के ही उन्हें उसके उपरांत उन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला। कलजीखाल ब्लॉक में आपको तो 2 बार मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
मैं अतिशयोक्ति के साथ हूँ, लेकिन 2021 तक जरूर यहाँ पे महेंद्र सिंह राणा को विकासखंड द्वारिखाल में भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से वो नवाजे जाएंगे उनकी कार्यशैली के अनुसार।